आपका स्वागत है, मैं हूं विजय। अब एक नजर आज के हेडलाइन पर। समाहरणालय के सामने न्याय की मांग को लेकर विश्वनाथ साव पूरी रात ठंड में बैठा रह गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। हालांकि उसके देखभाल के लिए दंडाधिकारी डॉक्टर सहित तीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। नियुक्त डॉक्टर ने बताया कि उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वह जाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अनशन पर बैठे विश्वनाथ साव का कहना है कि जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे मौत ही क्यों ना हो जाए। हमारा तबीयत खराब है, रात भर यहीं सीट में रह गए हैं। 144 लगला भर में धान काट रहा लिए, 144 लगला भर में जमीन जोताई हो रहा है, 144 लगला भर में मकान बन गया। डॉक्टर साहब आज हम जाने के न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से अनशन बनशन नहीं टूटेंगे, अनशन हम नहीं टूटेंगे, मार जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। बीपी बढ़ा हुआ है और सीवियर हेडेक बता रहे हैं और जनरलाइज वीकनेस ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग एडवाइस किए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, लेकिन ये तैयार नहीं है, ना हॉस्पिटल जाते हैं और ना दवाई खाते हैं। ये सूचना तो हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को दे दिए हैं, तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो फिर क्या होगा, रिफ्यूज़ल है तो अब मजिस्ट्रेट साहब आगे सूचित करेंगे, तो फिर उठा के आदमी कोई व्यवस्था करेगा। यहाँ पर तो मुनासिब नहीं है कि पानी उनी ड्रिप किया जाए, हॉस्पिटल अच्छा रहेगा, बीपी बढ़ा हुआ है। 18 वर्षीय एक युवती की हत्या कर फेंका गया शव को पुलिस ने बरामद किया है। मुफस्सिल थाना के सीमेंट फैक्ट्री के पीछे बांध कर फेंके इस युवती के शव के गर्दन पर धारदार हथियार से कटे होने का निशान है। शव किसका है और किसने इसकी हत्या की है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। प्लास्टिक और कपड़े की रस्सी से युवती के हाथ पैर बंधे हुए हैं, वहीं मुंह में दुपट्टा बांधा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने के पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना मिलने पर SDPO सदर PN साहू मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि इसकी हत्या अपराधियों ने दूसरी जगह पर की है और इसे साक्ष्य छिपाने की नीयत से यहां फेंक दिया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जल्द ही युवती की पहचान कर ली जाएगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एक अज्ञात महिला का डेड बॉडी मिला है जिसकी उम्र 17-18 साल होगी और फ्रॉक और सलवार समेत पहने हुई है। सर के पास उसका गर्दन में इंजरी है और हाथ और पैर दोनों बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि किसी घर में उसकी हत्या कर करके वहाँ डेड बॉडी को बाहर से ला करके फेंका गया है। उसके पहचान का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी तक पहचान स्थापित नहीं हुआ है। पहचान होने पर बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि घटना का कारण क्या है। हार्डकोर नक्सली धनंजय सिंह ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। धनंजय समाहरणालय स्थित पहले SP कार्यालय पहुंचा, जहां SDPO PN साहू के समक्ष उसने सरेंडर किया। SDPO PN साहू ने बताया कि दर्जन भर से अधिक नक्सली कांडों में यह आरोपी था और नबीनगर थाने की पुलिस ने इसके घर पर कुर्की के इश्तिहार भी चिपकाए थे। उन्होंने कहा कि नक्सली सरेंडर पॉलिसी के तहत इसे सरकारी लाभ दिया जाएगा ताकि ये मुख्य धारा से जुड़ सके। धनंजय सिंह है जो पहले नक्सली था, 11 से 15 तक ले काफ़ी एक्टिव था नबीनगर थाना क्षेत्र का। कुछ दिन पहले इसके घर पर हम लोग इश्तिहार भी चिपकाए हैं कुर्की जब्त करने के लिए। उससे थोड़ा सा ही डर गया और प्रभावित होकर के कि हम सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करते हैं, लेकिन ये अनआर्म्ड है, किसी और कोई हथियार नहीं है, फिर भी आत्मसमर्पण किया है। हम लोग इसको आत्मसमर्पण
के तरह ले रहे हैं और उसके बाद जो आगे कार्रवाई हुई करेंगे। फिलहाल इसको 179-14 नबीनगर के केस में जेल भेजा जा रहा है। शराब के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में औरंगाबाद की बारून पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुद्दुपुर गांव के पास लगाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान उन्होंने एक पिकअप वैन पर लदे 1176 लीटर स्प्रिट की बड़ी मात्रा को जब्त कर लिया। गुप्त सूचना मिली थी कि देसी शराब के निर्माण के लिए स्प्रिट की बड़ी खेप सोन इलाके में ले जाई जाने वाली है। इसी सूचना के आधार पर जब सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया तब यह सफलता हाथ लगी। हालांकि वाहन जांच होता देख कारोबारी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। औरंगाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब लगातार चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने नक्सलियों के 3 बंकरों को जहां ध्वस्त कर दिया, वहीं मौके से उन्होंने 2 आईडी बम, नक्सली वर्दी, पिट्ठू समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की हैं। नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त टीम पिछले 2 दिनों से मदनपुर के लंगुराही और देव के झारखंड से सटे दक्षिणी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ऑपरेशन की सूचना मिलते ही नक्सली इन सभी सामानों को छोड़कर भाग निकले। जब टीम वहां पहुंची तब इन सामानों को बरामद कर जब्त किया गया और बरामद आईडी को डिफ्यूज करा दिया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।